अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है इनको स्वरूप जाने रागे ते भाई जो भक्ति काय को नवाई बुद्धि को चाहिए नन नन तीन इते काज सब आज भाई कर जोड़ वारे वारे मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इस ग्रंथ के आधार से धर्मात्मा जीवों के संदर्भ में बहुत सुंदर चर्चा अपनी यहाँ कुछ दिन पहले चली थी। फिर बीच में कुछ कार्यक्रम बाहर के रहे। धर्मात्मा कैसे होते हैं, धर्मात्माओं की वृत्ति कैसी होती है, भोग भोगते हैं कि नहीं धर्मात्मा, धर्मात्मा भोग भोगे तो फिर कैसे धर्मात्मा, तो भाई भोग भोगते दिखते हैं लेकिन अंदर में उन भोगों के प्रति विरक्ति का भाव वर्तता है। माने श्रद्धा के लेवल पर तो वे भोग छूट ही गए हैं, परिणामों के लेवल पर भी उनसे अत्यंत विरक्ति का भाव है और चारित्र के लेवल पर निरंतर उन भोगों से छूटने की वृत्ति वर्तती है। वह दिन कब आएगा जब मैं इन भोगों को छोड़कर विषयों से विरक्त होकर वन जाऊंगा, मुनि दीक्षा अंगीकार करूंगा, वो दिन कब आएगा, ये बातें ज्ञानियों के जीवन में सहजी वर्तती है। आपको घटना पूरी पता होगी, जीवंदर कुमार वहाँ किसी नगरी में पहुँच गए थे और वहाँ नगर के राजा की जो पुत्री थी राजकुमारी उसे सर्प ने डस लिया था। इनके पास में ऐसी मंत्र शक्ति थी कि जो मंत्र बोलकर जहर उतार दिया, जहर उतर गया तो राजकुमारी का भाई वो इसे गुणवान जानकर आकर्षित हुआ और पिता से निवेदन कर
अपनी जो पद्मा नाम की बहन थी उसके साथ जीवंदर कुमार का विवाह कर दिया। जीवंदर कुमार वहाँ साथ में रहने लगे, वहीं साथ में रहकर शांत चित्त से भोगों को भोगते हुए काल व्यतीत करने लगे। फिर अचानक ही वो सब छोड़ करके विरक्त होकर वहाँ से चले गए। ये घटना थी और इसके माध्यम से नीतिकारों ने ये कहा कि जीवंदर कुमार चले गए तो यह कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ज्ञानियों के चित्त में वैराग्य वृत्ति तो अंतर में चला ही करती है। आप देखिए राजकुमार वर्धमान को, महावीर स्वामी को, उनके माता पिता ने कितना समझाया और कितना राग में और विवाह के बंधन में बांधने का प्रयास किया, लेकिन जिनकी अंतरंग परिणति में वैराग्य समाया हो उन्हें राग बांधने में और आकर्षित करने में समर्थ नहीं होता। हमने इस संदर्भ में एक कहानी आपको पिछले प्रवचन में सुनाई थी, कितनों को याद है। आगे तो पाठ चल ही रहा है लेकिन पीछे सपाट नहीं है, तो बताओ क्या चर्चा की थी हमने भोगों से विरक्ति के संदर्भ में, कौन सी कथा सुनाई थी, है याद कुछ? जम्बू स्वामी की, जम्बू स्वामी का विवाह कर दिया चार चार सुंदर कन्याओं से, हैं, फिर शादी के दिन ही रात भर बैठ करके उन्होंने राग में फंसाने की उन सुंदर कन्याओं ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे जम्बू स्वामी को तो बांध ही नहीं सकी। उन चारों का प्रभाव जम्बू स्वामी पे नहीं पड़ा और जम्बू स्वामी का प्रभाव ऐसा पड़ा रात भर में कि सुबह उठने पर उन चारों ने तो दीक्षा ली ही और रात में घर पर जो चोरी करने आया था उस चोर ने भी और चोरों के समुदाय ने भी, माने क्या चर्चा की होगी। 500 चोर उसके बोलो विद्युत चर नाम था उस चोर का, उसके 500 साथी थे, उन्होंने दीक्षा ली, दोनों परिवारों में माता पिताओं ने दीक्षा ली, परिवारजनों ने दीक्षा ली। क्या शिक्षा दी होगी, क्या संदेश दिया होगा, क्या चर्चा हुई होगी आपस में, क्या तात्विक चर्चाएं हुई होगी। आप सोचिए जब आप किसी व्यक्ति के साथ में दुकान पर बैठते हैं और आप कुछ धर्म की बातें करने लगो, दो बातें आप समझाओ तो 10 बातें आपको समझा जाता है वो माने वो जो 10 बातें समझा रहा है तो आप उसके समझाने में समझ पाए कि आप अपनी बात उसको समझाने में समर्थ हो सके। विचार करना हमारे में कितनी सामर्थ्य है कि हम दूसरे व्यक्ति को इस तत्वज्ञान की धारा से जोड़ सकें, है इतनी ताकत। जब इतने सालों से सुनते हुए आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यार रास्ता तो यही है, सच्ची बात तो यही है, जब आपको ये बात सच्ची लगती है, आपको ये बात अच्छी लगती है, तो फिर क्या आप किसी दूसरे व्यक्ति को ये बात समझा सकते हैं कि यही बात सच्ची है, रास्ता यही है? इसका मतलब हमारे पास वो तर्क नहीं है, हमारे पास वो युक्तियां नहीं है, या हमारे पास में वो प्रभावशाली तरीका नहीं है कहने का, समझाने का, जिसके माध्यम से हम लोगों को आकर्षित कर सकें। आप समझाइए, समझ में आती है लोगों को, समझाएंगे तो समझ में कैसे नहीं आएगी, लेकिन कोशिश तो करें, निरंतर कोशिश की जानी चाहिए। यहाँ तो 4-6 घंटे में 8 घंटे में कहानी बदल गई पूरी की पूरी जम्बू स्वामी की। ऐसे वैरागी जीवन जिनका होता है, आप देखिए राजपाट देने के प्रलोभन, मैंने 2-4 दिन पहले ही कहीं चर्चा की, यहाँ तो नहीं की थी, कहीं और किसी सभा में चर्चा की है। दशरथ के बड़े भाई अनंत रथ, बोलो अंदर में वैराग्य भाव समाया हुआ है, पिता दीक्षा लेकर के जा रहे हैं और अनंत रथ को ये कहा कि राज्य तुम्हें संभालना है। सुनो, वो राज्य का प्रलोभन उन्हें आकर्षित करने में समर्थ नहीं हो सका। अंदर में वैराग्य भाव जागृत होता है तो 96,000 रानियां भी दीक्षा लेते हुए चक्रवर्ती को रोकने में समर्थ नहीं हो पाती। अंदर में वैराग्य परिणति जब चलती है, अंदर में ज्ञान और वैराग्य का जब संगम चला करता है, तो दीक्षा लेने के बाद भी अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। बोलो, भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियां, 6 खंड का वैभव विभूति, हमसे थोड़ा थोड़ा नहीं छूटता है,
हमसे घर बार परिग्रह इनके प्रति मोह नहीं छूटता है। एक तरफ वे घटनाएं दिखाई देती हैं जिसमें काणी स्त्री के प्रति मोह निरंतर वर्तता था, छूट नहीं रहा था, और एक तरफ ये दिखता है कि हजारों हजारों पत्नियों और रानियों को छोड़कर अंतर में मोह परिणति टूट गई, वे दीक्षा लेकर के चले गए कि क्या होगा पीछे से। दशरथ का 6 महीने की अवस्था में राज तिलक कर दिया गया, ये विचार नहीं किया गया कि क्या होगा। चक्रवर्ती 6 खंड की विभूति के बारे में विचार नहीं करता है कि इसे संभालने वाला कौन होगा, कोई इसे संभालने वाला हो जाए तो फिर मैं निश्चिंत हो जाऊं थोड़ा सा। आज जब हम लोगों से कहते हैं, आपसे कहें बात, काहे दुकान का मोह इतना लेकर के बैठे हो आप, छोड़ छाड़ क्यों नहीं देते हो, जो होगा हो आ जाएगा, बंद करके आओ ना। कि नहीं नहीं भाई साहब, ये क्या है, थोड़ा सा कोई दुकान संभालने वाला कोई दूसरा हो जाए ना, अब बेटा थोड़ा सा जब वो थोड़ा होशियार हो जाएगा, वो संभालने लगेगा तो फिर हम फ्री हो जाएंगे। उसको बस एक ही तो बेटा है हमारा, इसकी शादी हो जाए, बस ये बेटी है इसकी शादी हो जाए फिर हम फ्री है, फिर फ्री है साहब, फिर क्या है, फिर तो इसी मार्ग में लग जाएंगे। कोई अपने बेटे को लगा करके कहता है कि अब हम लग जाएंगे, कोई कहता है बेटी की शादी कर दे फिर लग जाएंगे, और हमने ऐसा देखा है जो ऐसी बातें किया करते थे, फिर के बस एक काम और निपट जाए, बस हमारा आखिरी काम है पंडित जी। क्या लगता है कि आखिरी काम है, क्या लगता है इसके बाद में दूसरा कोई काम नहीं होगा, एक के बाद एक काम लगे रहते हैं, क्या बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, फिर हमें संभालना पड़ता है, फिर ऐसा लगता है कि अब क्या करें, अब उनका तो जॉब है, उनका तो काम है, अब बच्चों को तो हमें संभालना पड़ेगा। आया बन के रह जाता, बोलो कैसी स्थिति है, माने हम मोह जाल में कितने फंसे हैं कि हमसे ये वृत्ति टूटती नहीं है। और इन ज्ञानियों के वैराग्य वृत्ति को देखो कि अंतर में तो चल ही रहा है, पता नहीं कब कौन सा क्षण आया कि वो उसे छोड़ करके चले गए। आपको ऐसा लगता है अचानक क्या हो गया, अचानक क्या, अरे अचानक नहीं हो गया भाई साहब, अचानक नहीं होता है, ये धारा अंदर में चल रही है, अचानक नहीं दिखाई देता है। किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली तो आपको क्या लगता है अचानक हो गया, अचानक नहीं, हजारों बार उसके अंतर्द्वंद चला था मन में आत्महत्या करने के पहले, आज नहीं महीनों से चल रहा था। जगत जनों को तो ये दिखाई देता है अचानक क्या हो गया, अचानक क्या हो गया, एकदम ही एकदम नहीं है सब, ये चल रहा है बहुत समय से द्वंद, और फिर वो जब अंतर की बात नहीं समाई तो फिर वो परिणति में दिखाई देती है। कोई भाग गया घर छोड़ करके, क्या तो क्यों भाग गया भैया, अचानक ही पता नहीं क्या हो गया, अरे अचानक नहीं हुआ है, बहुत बार ऐसे प्रसंग बने थे कि मैं छोड़ के चला जाऊं, वो अंदर की बात आपके सामने नहीं आई थी। किसी का तलाक हो गया मान लो, तो आपको क्या लगता है 2 घंटे के लिए झगड़ ली और तलाक हो गया, 2 घंटे के लिए झगड़ने में तलाक नहीं होता है, वो सालों से चल रही थी तलाक की तैयारी। क्या बात कर रहे हो साहब, ऐसी कोई तैयारी करता है क्या, ये करता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, वन बाय वन, वो स्टेप बाय स्टेप, वो जो विरोध की जो स्वर है ना, वो जुड़ते गए, फिर क्या हुआ, अब एक साथ दिख रहा है आपको, समझ में आ रही है बात। किसी भी चीज में लगा लो आप, कि साहब अचानक आपने दुकान बंद कर दी कि नहीं, सोच बहुत समय से रहे थे, क्या अचानक ये बिजनेस शुरू कर दिया, अचानक नहीं किया बिजनेस शुरू आपने, आप बहुत समय से सोच रहे थे क्या करूं, फिर तब जाकर के आपने निर्णय लिया है उस कार्य को करने का। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने दीक्षा ली तो अचानक नहीं हुआ है, दीक्षा लेते ही भरत चक्रवर्ती ने ऐसा क्या किया भरत मुनिराज ने कि अंतर्मूर्त में उन्हें केवल ज्ञान हो गया। आपको वो अंतर्मूर्त दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें उस अंतर्मूर्त के पीछे उनकी चल रही वर्षों की तैयारी दिखाई दे रही है। कि साहब बरसों की तैयारी क्या, कि सुनो पढ़ो भरतेश वैभव, वो बतलाते हैं भरत जी के बारे में, 6 खंड की विभूति को जीतने के लिए, 6 खंड के राजपाट को जीतने के लिए जब वे जाते थे और जा रहे थे, बीच बीच में रुककर जब वे खड़े होकर के सामायिक करते थे, जब अष्टानिका और 10 लक्षण पर्वों को भी जिस तरह से बीच बीच में मनाया करते थे,
आप उस चित्रण को पढ़ो, आपको लगेगा कैसा जीवन था चक्रवर्ती सम्राट का। आपको दिख रहा है, अरे उनकी रानियां, जो रानियों के पास में किसी तरह की कमी नहीं, चक्रवर्ती सम्राट की पत्नियों की बात कर रहा हूं, जब वे अष्टानी का दस लक्षण पर्व में जिन मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती हैं, तो ऐसे लगता है जैसे आर्यिकाओं का समूह चल रहा हूं। बोलो, इतनी सादगी दिखती है जीवन में, सफेद साड़ी, कोई श्रृंगार नहीं, कोई गहने नहीं, जैसे इस तरह से लगता है जैसे आर्यिकाएं चल रही हो सफेद साड़ी पहन करके। सोच सकते हैं आप क्या चलता होगा अंदर में। जब ये खड़े रहकर ये सामायिक किया करते हैं, तो ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि सामायिक में इतने तल्लीन हो जाते हैं, इतने शिथिल, इतने हो जाते हैं कि हाथ की उंगलियां ऐसे झड़ करके नीचे गिर जाती, अंगूठियां हाथों उंगलियों में से कोई फर्क नहीं पड़े। अरे अंगुलियों को कोई काट जाए, कोई पशु कोई, तो उनका चित्त विचलित नहीं होवे, ध्यान से विचलित नहीं होवे। ऐसा ध्यान करते हैं हमारे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, तो कैसा ध्यान होता होगा, कैसा धर्म होता होगा। क्योंकि अंतर में अपने आत्म स्वरूप के अवलंबन से जिस अतिंद्रिय आनंद का स्वाद चखा है, वो स्वाद इस प्रकार का है कि उस स्वाद के आगे ये बाहरी तकलीफ ये कुछ नजर नहीं आती है, ये दिखती ही नहीं है। और यार इतने बड़े राजा, अब जंगल में कैसे चलेंगे, अब नंगे पांव कैसे चलेंगे, अब उगाड़े बदन कैसे रहेंगे, हैं, अब तो नग्न दिगंबर दशा, ठंड लगेगी कैसे, तो एक मच्छर बैठ जाता था तो कैसी स्थिति, और आज देखो इनके साथ में बहुत बहुत भाई कठिन परिश्रम है। कोई कठिन परिश्रम बिल्कुल कठिन परिश्रम नहीं। घर में तुम्हारे एक मच्छर हो ना तो बच्चा परेशान करता है, नहीं मैं नहीं सोऊंगा यहाँ, पहले मच्छर निकालो यहाँ से, ऐसे नाटक करता हो। और वो जब सड़क पर क्रिकेट खेल रहा हो और 50 मच्छर माथे पर मंडरा रहे हो ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसके। ये क्या हुआ, खेल का आनंद आ रहा है तो मच्छर की परवाह नहीं है। कोई घर का काम करते समय हल्की सी खरोंच आ जाए ना, तो हाथ लेकर के पांव लेकर के बैठा रहे, आधे घंटे तक पढ़ाई नहीं करे, लग गई मेरे रोता रहे, और खेलते खेलते चोट लग जाए ना तो खेलना बंद नहीं हो, पता ही नहीं पड़ता कब लग गई, पता ही नहीं लगता कब लग गई। इसका मतलब सारा खेल रुचि का है भाई साहब, सब रुचि का खेल है। धर्मात्माओं की रुचि अलग है। दो उदाहरण यहाँ दिए गए इस प्रसंग में जो हमने पीछे यहाँ पढ़े हैं, कौन से दो उदाहरण? अरे वो तो बात थी अलग, ये वादी सिंह सूरी क्या कह रहे हैं इस ग्रंथ में जो हमने पढ़े थे, एक बिल्ली का उदाहरण दिया और एक हिरण का उदाहरण दिया। अज्ञानी जीवों की वृत्ति के संदर्भ में बिल्ली का उदाहरण देकर के बात की, और ज्ञानियों के संदर्भ में उन्होंने हिरण का उदाहरण देकर के बात कही। माने अज्ञानी जीव की विषयों में आसक्ति और ज्ञानी की विषयों में आसक्ति कैसी होती है। और पिछली बात को कहूं तो मैंने एक और उदाहरण दिया था आत्मानुशासन गुण भद्राचार्य देव का, याद है कुछ? बाल काले से सफेद कैसे हुए? क्या अज्ञानी के भी होते हैं और ज्ञानी के भी होते हैं, कुछ बातें याद रखो भाई। क्या दोनों के हो रहे हैं, बीमार दोनों पड़ते हैं, बुखार दोनों के हो रहा है, लेकिन ज्ञानी जीव रोग के काल में भी राग को ही दुख का कारण जानता है, रोग को दुख का कारण नहीं जानता। सच में रोग दुख का कारण होता भी नहीं। अच्छा, ज्ञानी की छींक आती होगी कि नहीं आती होगी? अज्ञानी के तो छींके आती है, कोई बात नहीं, बीमार पड़ता है, ज्ञानी नहीं पड़ता, वो ज्ञानी भी पड़ता है, बीमार पड़ता है ज्ञानी। अरे देह की अवस्था में बीमारी जरूर हो, लेकिन अंतर की जो अपनी बीमारी है उस बीमारी का इलाज उसने खोज लिया है, वो उसको पता लग गया है, इसलिए ज्ञानी बीमार नहीं होते, ज्ञानी दुखी नहीं होते। अज्ञानी जीव थोड़ी सी तकलीफ में बहुत दुखी होते हैं रोग के काल में, तो रोग से दुखी है कि सही बात तो ये है, रोग दुख का कारण होता ही नहीं है। रोग दुख का कारण हो तो हमारे वादीराज मुनिराज को 700 वर्षों तक कोड़ रहा, 700 वर्षों तक कुष्ठ रोग मुनि अवस्था में, और रंच मात्र तकलीफ नहीं थी, रोग तो था, तकलीफ क्यों नहीं थी? राग नहीं था। क्या माने तकलीफ का कारण रोग नहीं है,
तकलीफ का कारण रोग के साथ में, देह के साथ में जो राग है वो तकलीफ का कारण है। तो ज्ञानियों का जीवन अंतर से बदल जाता है। भोग भोगते हुए भी वृत्ति ज्ञानियों की कैसी होती है? हिरणवत होती है, कि थोड़ी आहट हुई और दौड़ गए, भाग गए वहां से। देखो अब हालत क्या है आगे। आसक्त पद्मा का दुखी होना, पद्मा को छोड़ के चले गए जीवंधर कुमार, तो ये तो निकल गए यहां से। अब इसका क्या हाल है देखें जरा, 273 नंबर पेज पर ये चलना है, दो नंबर श्लोक से है? चलो। पद्मा तु तद्वियोगेन दुख सागर साधभूत, तत्व ज्ञान विहीनानां दुःखमेव हि शाश्वतम्। ओहो क्या कह रहे हैं भाई। फिर पद्मा जीवंधर कुमार के वियोग से दुख के सागर में डूब गई। क्या करें, नीतिकार कह रहे हैं निश्चय से तत्व ज्ञान रहित जीवों को निरंतर दुख ही रहता है। ये कितनी मार्मिक बात कहती, तत्व ज्ञान विहीनानां दुःखमेव, दुःखमेव, एव एव मतलब होता है ही, दुःखमेव दुःख ही, तत्व ज्ञान विहीनानां जो तत्व ज्ञान से विहीन है। मैं सोचता हूँ भैया बहुत बार जब मैं दुनिया को देखता हूँ तो और अपने परिणामों को देखता हूँ तो कभी कभी मैं ऐसा महसूस करता हूँ ये लोग जीते कैसे हैं, कि क्या मतलब अंदर जो जगत में जो लोग दिखते हैं ये लोग जिंदा कैसे रह पाते हैं, इतनी कषाएं, इतनी आकुलता, इतनी टेंशन है, पैसे की, धन की, परिवार की है, समाज की मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर कितने कितने टेंशन है दिमाग में, दिलो दिमाग में चलती है, और कितने डिप्रेशन में रहते हैं, ये पैसा उसने ले लिया, ये चुका नहीं रहा है, उसने छीन लिया, ये चोरी हो गया, उसने बेईमानी कर ली, उसने उसको ऐसा क्यों कह दिया, और उस बात को ले लेकर के दिमाग में दुखी हो रहे हैं, तकलीफ पा रहे हैं। अब ये कैसे जी रहे हैं यार ये लोग ऐसी कषायों के काल में, कि क्यों तुम कैसे जी रहे हो? हम तो ऐसे जी रहे हैं कि तत्व ज्ञान है तो समझ जाते हैं, थोड़ा सा कषाय का राग द्वेष का भाव आता है, थोड़ी सी विकृति आती है तो तुरंत अपने आप को संभाल लेते हैं, और ये जिनवाणी माँ हमारे को शांत कर देती है, परिणामों में शांति होती है। लेकिन जहाँ कषायों का अंबार माथे पे लगा हुआ हो, ये जिंदा कैसे रहते हैं ये जगत के, बिना तत्व ज्ञान के, बिना समझ के ये कैसे जिए? बोलो, बिना बिना समझ के जीना आसान नहीं है क्या? कैसे जिए बताओ? कोई बात नहीं, चले चले चले। अभी एक छोटा सा चूहा आ जाए तो क्या कैसे लगता है हमारे को? अपन नहीं घबरा रहे, वो घबरा रही है, वो घबरा रहे हैं बेचारा, किधर दौड़ू मैं। चलो, तत्व ज्ञान विहीन नाम, जिनके पास में तत्व ज्ञान नहीं है, जिनके पास में भेद विज्ञान नहीं है, उनका क्या होता होगा? बोलो एक जवाब सामने। आपके पास में तत्व ज्ञान है तो आप जिंदा है। आप सोचो, अभी डेथ हो गई हमारे यहाँ परिचित हमारे जिया जी की, उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई 10-5 दिन पहले, तो क्या हालत होगी परिवार की? नहीं नहीं होगी। विहार करा रहे थे प्रसन्न सागर जी को मुंबई पुणे हाईवे पर, और साथ में चलते हुए एक बस ने उड़ा दिया, और 2-4 दिन अस्पताल आईसीयू में रहे, सर की हड्डियां टूट गई, कहीं चोट नहीं लगी, सिर्फ सर पे चोट लगी। महीने पर बाद बेटे की शादी है क्या? उम्र ज्यादा नहीं है, 50-52 साल की उम्र होगी क्या? कुछ करके रहने वाले थे एडवोकेट अच्छे। तो अब बोलो क्या हो, सर की हड्डियां टूट गई, आप देखो तो ऐसा लगी कुछ भी नहीं हुआ इनको, तो 2-4 दिन में खत्म, बस जवाब दे दिए डॉक्टर से। अब क्या बीती होगी, क्या बीते? अपने साथ में ऐसी घटना घटे तो क्या बीते? बोलो, तत्व ज्ञान नहीं हो तो मर जाए क्या? रोजाना घटनाएं नहीं सुनते हैं अपन इस तरह की, शेयर मार्केट में 2-5 करोड़ का नुकसान हो गया और छत से कूद करके आत्महत्या, आत्महत्या कर ली, इतना कर्जा माथे पर हो गया कि अब क्या करें, मर गया तो जिंदा कैसे रहेगा? कि जैसे ही तुझे विचार आता है कि मैं कौन क्या करने वाला है यार, चला गया तो चला गया, मैं क्या करूं, जो भी हो गई स्थिति,
भोगना तो पड़ेगा ही ना, अपने कर्म का उदय है, अपने को ही तो भुगतना पड़ेगा। ऐसा विचार आया कि तत्व ज्ञान और वस्तु स्वरूप का विचार आते ही कितनी शांति मिलती है, कितनी बड़ी ताकत मिल जाती है हमारे को। ये ताकत है भाई साहब, ये तत्व ज्ञान जो हमारे को बचाता है, जो सुरक्षा प्रदान करता है। घटनाएं किसी के साथ भी घट सकती है क्या? अपना भी 20 साल का बेटा मर सकता है। अरे अपना बेटा मर जाए तब तो क्या होगा, जो भी होगा सो होगा, तो खुद मर जाएगा इसका क्यों नहीं विचार करता है क्या? लेकिन खुद मर जाए ना, उसकी तकलीफ का विचार नहीं करता क्या कि क्या तकलीफ होगी। और यदि मैं ये कहूं कि जवान बेटा मर जाए, बोलो अभी मैं ये बात कहूं कि आर्यव मर जाए, तो बोलो क्या बीतती है। और अभी मैं ये कहूं कि मैं मर जाऊं, अपने आप के बारे में सोचें, क्या फर्क पड़ता है, बोलो भैया। अभी अभी आपसे कहूं कि भैया अभी यदि आप एक्सीडेंट में मर जाओ तो क्या बीतेगी, बोलो, तो सोचता ही नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है यार, जो होगा सो हुआ जाएगा। और मैं ये कहूं बोलो शुभम नहीं रहे, बोलो तो क्या बीतेगी, तो फिर पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मैंने आप कल्पना करो इस चीज की, अपन ये सोच रहे हैं कि यार उसके बिना मैं कैसे जीऊंगा। समझ में आ रही है बात? अब मैं मर जाऊंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, जो होगा सो होगा। लेकिन पत्नी मर जाएगी तो रोटियां कौन डालेगा, वो तकलीफ दिखती है इसको। समझ में आ रही है बात? मैं मर जाऊंगा वो तकलीफ नहीं दिख रही है, और हस्बैंड मर जाएंगे मान लो तो फिर इसको संकट दिखता है कि यार ये मर जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा पीछे से। माने इसको अगले भाव की चिंता नहीं दिखाई दे रही है, तो समझ में नहीं आ रहा है। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा, अपने अपने सुख को रोते हैं, यही विचार करता रहता है फिर क्या होगा मेरा, फिर क्या होगा। और कोई किसी को किसी के मर जाने से फर्क भी नहीं पड़ता। ये जो लाइन कही है ना बारे भावना की, जो लाइन कही है मंगतराज जी की बारे भावना में, ये बहुत मार्मिक लाइन कही है। कोई किसी को परवाह नहीं करता है, क्या बात कर रहे हो साहब, हमारा बेटा मर जाए हमें परवाह नहीं हो। बोलो अभी मैं मर जाऊं यहां तो मेरा तो जो होगा सो होगा, पिताजी पर क्या बीतेगी बताओ। अरे जवान, अरे जवान बेटा मर गया है, कैसा लगता है? मेरे जाने का टाइम था, यही हालत देखी हमने उस परिवार में। अभी उनके यहाँ उनके पिताजी, बुजुर्ग पिताजी बैठे हुए हैं, वो बोले मेरे से, वो तो तत्व ज्ञान समझते नहीं है। फिर उन्होंने कही मेरे से कि साहब आप तो अर्जी लगाना भगवान के सामने है कि भगवान एक ऐसा नियम बनाए कि पिता के बैठे हुए पुत्र का मरण नहीं हो। मेरे से कह रहे थे ऐसी बातें क्या कि साहब हम तो धर्म ध्यान कुछ करते नहीं है, हम तो कुछ समझते नहीं है, लेकिन पंडित जी आप तो हैं, आप लोग कुछ कर सकते हो, भगवान को कुछ समझाओ। भगवान को समझाओ आप इस तरह की बातें कुछ, कि वो भगवान हमारे को मतलब कम से कम किसी भी पिता के साथ में ऐसा नहीं, कम से कम पिता के रहते हुए तो बेटा नहीं मरे, पहले पिता को ही मरना चाहिए, ऐसा कोई नियम थोड़ी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अपने अपने दुख को रोवे, अपने दुख को रोता है, किसी और से नहीं है मतलब। और आपको यदि इसका सही भाव वासन जानना हो तो चलो मरने के बाद आके देख लो। आराम से जी, आप कल्पना करो क्या था, याद है आपको कब की याद है? मेरी भावना के समय सुनाई थी, बहुत सालों पुरानी बात हो गई। बोलो साहब, दीपेश जी कल्पना करो ऐसी कि अभी यहाँ बैठे बैठे अपना मरण हो गया, सब अपने अपने बारे में सोचो साहब, सोच सकते हैं? सोचने में तो क्यों नहीं सोच सकते, सोचने में क्या लगता है? सोच लिया। अब दूसरी कल्पना करो इसके आगे कि स्वाध्याय में बैठे अभी मरण हो गया मान लो, कहाँ जाएंगे? देवगति में चले गए। अब देव बन गए मान लो, तो देवगति में गर्भ में तो जाते नहीं है, उपास जन्म होता है, सीधे बड़े होते हैं। देवगति के जीवों को अवधि ज्ञान भी होता है, देवगति के जीवों के पास में बहुत प्रकार की रिद्धियां शक्तियां भी होती है। आप तो यहां मर गए, सब अपने अपने बारे में सोचो। अब मरने के बाद
आप जैसे ही वहां जन्म हुआ, जन्म होते ही अभी यहाँ तो अभी तो हालत क्या चल रही है, यहाँ तो अभी देख रहे हैं अरे क्या हो गया क्या हो गया, ये बातें चल रही है, अचानक क्या हो गया, डॉक्टर को दिखाओ, इनके पानी छिड़को इनके माथे पे, और इतनी देर में तो हम वहां पहुंच गए। अब कल्पना करो हम वहां से वापस लौट करके आए जरा पीछे का हाल देखने के लिए, तो फिर देखो पीछे क्या हाल चल रहा है। बोलो, अब वहां से पीछे लौट करके आ गए, अपन दोबारा यहीं आ गए, अदृश्य बन करके आ गए, और अदृश्य बन के आने के बाद में माहौल देख रहे हैं। अब माहौल क्या चल रहा है, हैं? बेटे भी वही हैं, बहुएं भी वही हैं, घर में ही बैठे हुए हैं, और आपस में बातें, अभी कोई रो नहीं रहा है मेरे मरने पे। मैं तो वापस लौट करके आ गया, अदृश्य बन करके वहीं खड़ा खड़ा कोने में खड़ा खड़ा देख रहा हूँ माहौल क्या चल रहा है, और बातें क्या चल रही है घर में आपस में। लगता है चले गए भाई साहब, लगता है तो सट गए। अब किसी का इंटरव्यू है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी की कोई जरूरी मीटिंग है, कि मैं तो निकलता हूँ तुम बाद में करते रहना। बोलो कैसी बातें चलती है, आप प्रैक्टिकल सोचो जरा। आपस में चर्चाएं चल रही है, कोई कह रहा है यहाँ से तो उतार लो, कोई कहता है इनकी चैन तो खोल लो गले में से, कोई कहता है बिस्तर से उतार लो, कोई कहता है नहीं नहीं एक काम करो फिर अभी लोग आ जाएंगे पहले तुम खाना तो खा लो। बोलो सच्ची बात नहीं है क्या, अभी सब सबको किस किस को क्या क्या चल रहा है, अभी मरे अभी किसी का कुछ रोने धोने का काम नहीं है, कुछ नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमने देखे लोग इकट्ठे होने लग गए, सब चल रहे हैं, अब थोड़ा सा रोने धोने का काम चालू हो गया। क्यों भाई, मर तो आधे घंटे पहले ही गए थे, अब क्यों रो रहा है, अब दिखाने के लिए रो रहा है। धीरे धीरे बांध दिया गया, सारे लोग इकट्ठे हो गए, शव यात्रा चल रही है। शव यात्रा में हमने सोचा चलो हम भी अपनी शव यात्रा में शामिल हो जाए। और पूरी शव यात्रा में हमारे जीवन भर का कच्चा चिट्ठा साथ में चलने वाले, वो एक बगल में हमारा जो पक्का दोस्त, जो ये हमारे लिए कहता था कि तेरे लिए तो जान भी हासिल हाजिर है, वो क्या कहता है, यार 3 दिन पहले ही तो अभी इसको 15 लाख दिए थे, अभी तक तो कुछ लिखा पड़ी भी नहीं है। सब अपनी अपनी बातों को ले लेकर के बैठे हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, हमारे बारे में निंदा और आलोचना करने वाले लोग, हमारी चर्चा करने वाले लोग, सारी बातें उल्टी सीधी करने वाले लोग सब दिखाई दे रहे हैं। खत्म हो गया, दाह संस्कार हो गया, लौट करके आ गए। रात को ही क्या है कि वो तो एक स्पेशल एपिसोड आने वाला है टीवी में, क्या वो घर में बच्चे कह रहे हैं कि हम तो चलाएंगे, बाबूजी कह रहे हैं कि नहीं नहीं बेटा अच्छा नहीं लगता है, कि चल कोई बात नहीं तू तो चुपचाप चला करके आवाज धीरे रखना। और इतनी देर में मजे से देख रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसी मजाक चल रही है, और सब लोग इकट्ठे होते हैं तो ना मालूम कौन कौन सी प्लानिंग करने लगते हैं, घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं, पार्टियों की प्लानिंग कर रहे हैं इधर उधर की, क्या कोई किसी को कोई परवाह नहीं है। और इतनी देर में नीचे से बैल बजी की सीढ़ियों से किसी के चढ़ने की आवाज आई, चुपरे चुपरे कोई आ गया, और फिर किसी का अरे और हम सब देख रहे हैं क्या नाटक चल रहा है। बोलो साहब ये सच्चाई है या नहीं है, और ये कह रहे हैं औरतें पल्ला ही इसलिए ढकती है कि आंसू रो भी रही है कि नहीं रो रही है, ये अंदर में बस आवाज ही करती है। और सच बतलाओ, रोना नहीं आ रहा हो तो कैसे रोता है, और रोता भी है तो क्या कह कह करके रोता है। आप जरा उन बातों की तरफ गहराई से ध्यान देंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये क्यों रो रहा है। हम वहां खड़े खड़े उन रोते हुए लोगों की सारी बातें सुन रहे थे, हम खुद ही अपने मरने के चक्कर में, तो पता है क्या बातें चल रही थी। अब वो चले गए तो अब हमें कौन संभालेगा, अब वो चले गए तो हमारे घर में सब्जी कौन लाएगा, अब वो चले गए तो बच्चों को स्कूल छोड़ने कौन जाएगा, वो थे तो हमारे सारे काम कर लिया करते थे, बाबू जी घर में थे तो हमने आज तक कभी ताला ही नहीं लगाया, अब क्या करें, वो तो घर में तुम्हें चौकीदार चाहिए था, तुम्हें घर में सब्जी लाने वाला चाहिए था, तुम्हें बच्चों को स्कूल छोड़ने वाला चाहिए था, माने तुम्हें तो अपने कामों की परवाह दिखाई दे रही है कि अब ये काम कौन करेगा।
तुम्हें व्यक्ति के चले जाने की तकलीफ नहीं है, अपने अपने सुख को रोवे। तू किसको रो रहा है? वो अपने सुख को रो रहा है कि अब मेरी इस परिस्थिति का क्या होगा। घर में कमाने वाले वही थे, अब छोटे छोटे से बच्चों का क्या होगा, अब कौन कमा करके लाएगा, अब इनकी पढ़ाई का क्या होगा, अब हमारे इस परिस्थिति का क्या होगा। रोता भी है तो अपने सुख को याद करके रोता है। यदि तेरी सारी सुविधाओं की व्यवस्था हो तो तुझे चले जाने वाले से किसी तरह का कोई लाग लपेट नहीं है, कोई लगाव नहीं है।